हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर लवी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मैगी बनाने की रेसिपी, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा आसान, और जिसको भी आप ये रेसिपी खिलाएंगे वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा कम समय में तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको बनाने का रेसिपी। साथ ही हमें इसमें लगेगा एक मैगी का पैकेट और एक मैगी मसाले का पाउच। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हमें लगेगा दोस्तों 2 पानी के कप, जैसा कि पैकेट में लिखा होता है। हमें थोड़ी सूपी वाली मैगी चाहिए तो हम इसमें 2.5 कप या 3 कप पानी का डालेंगे। एक कप, 2 कप। इसमें हम गिर देंगे अपनी मैगी। पहले मैगी गिर देंगे दोस्तों, कई लोग पहले मसाला गिर देते हैं और मसाला पानी के साथ भाप बन के उड़ जाता है, तो उसका मसाले का टेस्ट भी नहीं आता। तो हम इसमें दे देंगे पहले मैगी। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है दोस्तों, इस वजह से गैस में दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं, हमारी मैगी तैयार हो जाएगी बड़े आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। टाइम देख लीजिए दोस्तों कब हमने बनानी शुरू किया, बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। छोटा चम्मच मत लीजिए दोस्तों, बड़े वाला चम्मच लीजिए, जिससे आप थोड़ा हाथ दूर रखें और जिसमें आपके हाथ की भी सेफ्टी हो। इसको दोस्तों आप अपनी मनपसंद से इसमें वेजिटेबल भी अभी काट के डाल सकते हैं, जैसे बनते हुए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गोभी या शिमला मिर्च, टमाटर, जो भी आपको खाना है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्याज मत गिरिएगा, प्याज इससे पहले गिरा जाता है। प्याज वाली रेसिपी मैं बाद में लेके आऊँगा, अभी फिलहाल मैं एक सिंपल आप भी दोस्तों नमक वगैरह ज़रूर टेस्ट करना। हमें छोटा चम्मच इसलिए लिया ताकि हम नमक वगैरह टेस्ट कर सकें। हल्का सा लेके इसमें आप हल्का सा टेस्ट कर सकते हो कि नमक कैसा किसी को देने से पहले। हमने टेस्ट कर लिया अपनी मैगी, नमक वगैरह दोस्तों बिल्कुल सेट है। ये हमारे बस बन के रेडी हो चुकी है और दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सूपी और हल्की हल्की ये खिली हुई मैगी है। कोई एकदम से हलवे जैसी नहीं बनी, बिल्कुल खिली हुई मैगी है और उसमें हल्का हल्का सूप भी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी है दोस्तों, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको खा के देखते हैं कैसी बनी है। दोस्तों मैगी बनके हो चुकी है हमारी रेडी, आप देख सकते हैं कितनी खुशबू और कितनी मसालेदार ये मैगी लग रही है। आप घर में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हल्के हल्के इसमें सूप भी है, जो सूप का मज़ा होता है ना वो तो गजब होता है दोस्तों। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लस आप जितना चाहें पानी के कप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको जितना सूप चाहिए और स्वाद के अनुसार नमक या मिर्च अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी फिलहाल मैगी, सिर्फ मैगी मसाले से। वैसे यार दोस्तों मैगी मसाले से बहुत ही नमक और मिर्च हो जाती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से डालने की। आप फिर भी आप अपने स्वाद के अनुसार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको करके देखते हैं टेस्ट कैसी बनी है ये मैगी हमारी। खुशबू तो बहुत गजब की आ रही है, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी है, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज़ घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। अब मैं इसको फटाफट जल्दी से फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। और सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से बनने वाली सिर्फ एक ही चीज़ होती है सबके घरों में, तो जल्दी से हम इसको खा लेते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी, ताकि आप उसको देख सकें और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकें।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।